नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात करेंगे वो आई है एयर इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहां पर एयर इंडिया लिमिटेड ने 500 कैबिन क्रू के पोस्ट पर भर्ती की अधिसूचना प्रकाशित की है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके फॉर्म फिलअप को कैसे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एयर इंडिया लिमिटेड, एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 है और जॉब लोकेशन यहाँ पर न्यू दिल्ली है और साथ ही महाराष्ट्र भी है। दोस्तों आप रीजन वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का नाम है कैबिन क्रू। दोस्तों क्वालिफिकेशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो आप हमें मोटिवेट करते हो, हमें खुशी देते हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, आपके लाइक करने से हमें और भी मोटिवेशन बढ़ती है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज लाने के लिए। तो वीडियो को आप लाइक कर दो। दोस्तों अगर यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12वीं पास, यानी कि अगर आप 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल और यहाँ पर पे स्केल है 15,000 रुपये। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू पर और इसको अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर चला आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है 1,000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है और आपको DD के माध्यम से पेमेंट करना है और ये DD बनेगा एयर इंडिया लिमिटेड पेएबल एट दिल्ली मुंबई के नाम पर। दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई है 12 मार्च 2018 और यह फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्तें तो ये हैं, कैबिन क्रू के पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो तभी जब आप अनमैरिड हो यानी कि बैचलर हो। सेकेंडली आपको दोस्तों यहाँ पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सेकेंड लिंक पर क्लिक करना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए फर्स्ट लिंक पर। दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, प्लीज़ आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।